ये मेरा हैंगिंग पॉट है, देखो पिछले साल भी मैं पेटूनिया लगाया सी, जो सुराख है उसे कवर कर लिया और उस तरह ही ये असं मिट्टी पावांगे। ये मिट्टी जी है बड़ी फर्टाइल है, ये साड़ी जी है पंजाबी भाषा वो असं पौन कहने पौन, क्योंकि खाले तो जी नहर रेता होंगे वो मिट्टी बनी है डायरैक्ट जोड़े पहाड़ों तो मिट्टी आँदी है और बड़ी फर्टाइल होंगी है। पर्दे बड़े ग्रो कर दिया, देखो मैं ये लगावगी ये वाला थोड़ी जी दे मैं उस तरह ही खाल थोड़ी जी मैं खाल भी पावगी क्योंकि वो जी ग्रोथ अच्छी हुई है। देखो बहुत थोड़ी स्लाइट क्योंकि ज़्यादा जी है अरे वो पौधे को साड़ सकती है, बिल्कुल थोड़ी पानी है ताकि उन्नी की जी है खुराक मिले जी वास्ते जरूरी है। मिट्टी पावे देखो देखो साडा पीता जो है रेडी हो गया, थोड़ा जहा पानी पावे इसे जिते कि पत्तिया की मिट्टी लगी उन्होंने धोवे हम यह हैंग करने लिए रेडी है। ये देखो ये पौधा जरा इन नागू कहते हैं नाग, क्योंकि जोड़ा फुल निकलता है वह बिल्कुल नाग के फण वर्गा होंगे, वाइट कलर का फ्लावर आता है इस तरह हों जिमें नाग कोबरा अपना फण चुकी खड़ा हो। और ये भी छां का पौधा है, छां के बड़ा अच्छा ग्रो करता है, देखो इनडोर प्लांट है और बहुत ही सुंदर है, सिर्फ रूम में रख सकते हो खेत अपने पोर्च जिते धुप नहीं आती डायरैक्ट उत्थे रख सकते हो। ये मिट्टी थोड़ी घट हो गई सी क्योंकि कई बार बाहर साढ़े पिया हों तो उत्थे पानी पाँगा मिट्टी के निकल जाती है, तो मिट्टी मैं पाती है थोड़ी जी मैं इसे खल पावगी बाकी जी इन खुराक प्रॉपर मिलती रहे। देखो बहुत थोड़ी जी क्योंकि ज़्यादा खल पाना है सड़ जाते हैं, एक खाद है नैचुरल और बड़ी अच्छी जी हैगी पौद्या खुराक दिंदी है, पत्तियां चमक आ जाती है। देखो इसे इस तरह ही ये टाइगर यही किस्म ही है, टाइगर कहते हैं टाइगर प्लांट और ये भी इनडोर प्लांट है, ये भी मिट्टी थोड़ी घट हुई है मिट्टी पानी है और थोड़ी जी देख मैं रे पावगी सर्दी में जी रे इन्हों पानी चाहिए है जी खाद है रूड़ी दी क्योंकि गर्मी में थोड़ा खराब कर दी है पौद्या इन भी मैं थोड़ी जी खल पा दी। देखो और जोड़ा पौधा है देखो भी किन्ना सोहना है, तुसी अपने रूम दे विच रखो पोर्च विच रखो इनडोर प्लांट है वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। अज लई इन्ना ही, कल नवी वीडियो लेके फिर हाजिर होवांगे। धन्यवाद जी।